हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 15 दिसंबर 2022, और 15 दिसंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा राज्य है जो भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य वो बन गया है। तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु वो अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। इसके लिए तमिलनाडु सरकार उसने पिछले साल जो सितंबर महीना है उसमें ग्रीन तमिलनाडु मिशन और इस साल अगस्त में तमिलनाडु वेटलैंड्स जो मिशन है उस वो शुरू किया है। और राज्य जलवायु कार्य योजना उसको एक विशेष प्रयोजन वाहन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी है उसके माध्यम से लागू किया जाएगा। अब ये जो परिवर्तन मिशन है इसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि राज्य सरकार है तमिलनाडु की, इन्होंने 2021-22 के बजट में जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन है ये शुरू करने की घोषणा वो की थी। और राज्य सरकार ने तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की जो 3 प्रमुख प्रकृति संरक्षण परियोजना अर्थात जो ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड्स और तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज को लागू करने के लिए एक विशेष प्रायोजन वाहन है। और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को जिला स्तर पर लागू किया जाएगा और इसे जिला स्तर पर नियुक्त जलवायु अधिकारियों के द्वारा समन्वित और कार्यान्वित किया जाएगा। तमिलनाडु सरकार इन्होंने जलवायु परिवर्तन मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक जो सोल है मैं उनको अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अब तमिलनाडु राज्य, तो तमिलनाडु राज्य भारत का दक्षिणी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि। और तमिलनाडु में टोटल जिले हैं 38। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तो ये है दोस्तों चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण जो केंद्र है उनका उद्घाटन वो किया। तो आंसर दोस्तों उड़ीसा राज्य के। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने आभासी रूप से जो अपने स्टेटमेंट के रूप से उड़ीसा के जो 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन है हब है इसका उद्घाटन किया। और अंगुल भद्रक कई समय जो 10 जिले हैं इनमें जो डिजिटलीकरण के का जो काम है वो किया जाएगा। और प्रत्येक जो DC DH है उनको आसपास के जिलों को डिजिटलीकरण का काम है वो सौंपा जाएगा। अब जो ये कार्य है इसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया जो डिजिटलीकरण कार्य है वो देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है। और डिजिटलीकरण अधिकृत व्यक्तियों के लिए अभिलेखों तक पहुंच को आसान बनाता है और व्यवस्थित जानकारी है वो रखने और दस्तावेज अभिलेखों की सुरक्षा और दस्तावेजों को खोजने में लगने वाले समय में जो कमी को भी सुनिश्चित करता है। और न्यायपालिका वो विशेष रूप से निचली अदालत है उनके आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में जो डिजिटलीकरण सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो माना जा रहा है। उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य भारत के पूरी तट पर स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और उड़ीसा की जो सीमाएं हैं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अब उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं नवीन पट्टनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को राज्य का दर्जा वो मिला था। और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस या ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये ऊर्जा खपत के महत्व और हमारे जो दैनिक जीवन में इसका उपयोग है और इसकी कमी और वैश्विक जो पारिस्थितिक तंत्र है उनकी स्थिरता पर इसके प्रभाव को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अब दिसंबर महीना, तो दिसंबर महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस,
2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को B.R. अंबेडकर की पुण्यतिथि, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना जो झंडा दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है, और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कौन सी बैंक है जो नैनीताल बैंक में अपने अधिकांश हिस्सेदारी वो बेचेगी, तो आंसर दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही वो अब नैनीताल जो बैंक है इस नैनीताल बैंक लिमिटेड में जो अपनी अधिकांश हिस्सेदारी वो बेच रही है, और एक्सचेंज फाइलिंग जो उसके अनुसार देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको नैनीताल बैंक में 98.57% की बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी है वो है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए जो इच्छुक पार्टी है उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मांगने के लिए विज्ञापन जारी करने की भी मंजूरी है वो दे दी है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है जिसकी 8161 ब्रांच और 11461 ATM और स्वयं सेवा केंद्रों के द्वारा समर्थित है। केस जो रिसाइकलर्स में मजबूत घरेलू उपस्थिति है और बैंक का जो शुद्ध लाभ है वो 58.7% से बढ़कर अब 3,313.42 करोड़ रुपये हो गया, जो कुल आय में 13.86% से बढ़कर जो ऐप जो फाइनेंशियल ईयर 23 इस और में फाइनेंशियल ईयर 23 है इसमें 23,080 करोड़ रुपए हैं वो हो गया, और PSE है उस पर वर्तमान में शेयर है वह 0.44% गिर कर अब 192.20 रुपए का कारोबार वो कर रहा है, और नैनीताल बैंक में बैंक की जो 98.57 की हिस्सेदारी है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ने जो 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक और बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक को भी प्रायोजित किया, और बैंक ऑफ बड़ौदा को 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड के नाम से एक निजी बैंक के रूप में शामिल वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO उन्होंने किसको नया चीफ साइंटिस्ट है वो नियुक्त किया है, तो इसका आंसर दोस्तों जेरेमी फरार है इनको नियुक्त किया गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इन्होंने जेरेमी फरार है इनको नया चीफ साइंटिस्ट वो नियुक्त किया है, और जेरेमी जो फरार है वो इसके नए चीफ वैज्ञानिक होंगे, और इस एजेंसी वो महामारी के बाद अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार है, और इससे पहले जो सौम्य स्वामीनाथन संगठन के चीफ वैज्ञानिक के रूप में भूमिका वो निभा रहे थे, जो नवंबर 2022 है इस नवंबर 2022 को अपने सेवानिवृत्त या पदमुक्त वो हो चुके हैं। अब जो हाल ही में जो नियुक्तियां हुई है नवंबर दिसंबर में ये भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहती है, कई कमेंट आते हैं कि आप काफ़ी डिटेल से बताते हो, तो बेसिक से पढ़ना ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी होता है। तो जो जस्टिस दीपांकर दत्ता है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ वो ली है, और वैज्ञानिक KV सुरेश कुमार ने भाविनी के नए CMD के रूप में पदभार वो ग्रहण किया है, और हंसराज अहीर ने NCBC का अध्यक्ष तौर पर अपना कार्यभार वो ग्रहण किया है, और नोई जय इन्होंने विराट कोहली को अपना नया जो ब्रांड एम्बेसडर वो बनाया है, और IRSEE विनीत कुमार अपॉइंट हुए हैं KVIC के CEO के रूप में, और अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव, और अरुण गोयल है इन्होंने चुनाव आयुक्त का पदभार वो संभाला है, और जो BPSCL से रिटायर्ड चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह अब ये ONGC है इसके नेक्स्ट चीफ होंगे, और संध्या देवनाथन वो अब हेड ऑफ जो न्यू इंडिया हेड ऑफ मेटा इसके रूप में नियुक्त हुई है, और गौरव द्विवेदी हैं अब वो प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं, और दीपा मलिका व निक्से की पहल की जो राष्ट्रीय दूत है वो नियुक्त हुई है। अब इसमें जो WHO आया था तो WHO के माने देख सके प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर ट्रेड्रोस अदनोम, और इसका जो हेडक्वार्टर वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना है WHO की ये हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से, 21 लीडर को SIES अवार्ड से सम्मानित वो किया गया है, तो आंसर दोस्तों वेंकैया जो नायडू है इनको सम्मानित किया गया है।
जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, इनको जो 25वां जो श्री चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिशन अवार्ड है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SIES, इससे सम्मानित किया गया। और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इन्होंने मुंबई में आयोजित हुआ था इस कार्यक्रम में, इसमें पुरस्कार व लोगों को उनके द्वारा चुने गए किसी भी पेशे में कड़ी मेहनत के करने के लिए प्रेरित के लिए ये पुरस्कार वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हेड क्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है का हाइपरसोनिक जो हाइपरसोनिक है उसके साथ परीक्षण वो किया है? तो आंसर दोस्तों ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इन्होंने हेड क्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड जो डिफेंस स्टाफ है इसका हाइपरसोनिक के साथ सफल जो परीक्षण है वो किया है। और इसमें संयुक्त हाइपरसोनिक वाहन ने कि अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक वो हासिल वो भी किया है। ये हाइपरसोनिक वाहन क्या है? तो हाइपरसोनिक वाहन है वो एक हवाई जहाज है जो मिसाइल या अंतरिक्ष विमान की तरह होता है, जो ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना तेज और मेग से 5 से भी अधिक गति से चलने की क्षमता वो रखता है। और इसे लेटेस्ट तकनीक माना जा रहा है जो भारत, चीन, रूस और अमेरिका ने अपने हाइपरसोनिक हथियारों की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश वो कर रहे हैं। और इसरो है वो रूस के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल वो बना रहा है। और भारतीय वैज्ञानिक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है डिमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत जो डबल कैपेबिलिटी है उसका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर भी काम वो कर रही है। और इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारतीय स्वदेशी मिसाइल है उनमें पारंपरिक हथियारों के साथ परमाणु हथियारों को भी दागने की क्षमता वो होगी हाइपरसोनिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि किस देश ने अरब निर्मित पहला अपना लूनर जो स्पेसक्राफ्ट वो लॉन्च किया है? तो आंसर दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। जो स्पेस एक्स फाल्कन 9 है रॉकेट ने पहली जो अरब निर्मित लूनर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट है इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। और इसे कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसे फ्लोरिडा के केप जो कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है वहाँ से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 21 खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग जो चैंपियनशिप है 2022 में वीमेन्स एयर पिस्टल में अपना गोल्ड मेडल वो जीता है? तो आंसर दोस्तों दिव्या TS के द्वारा गोल्ड मेडल वो जीता गया। जो कर्नाटक की शूटर है दिव्या TS, इन्होंने जो 65 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 है इसमें अपनी अकादमी में शूटिंग रेंज में जो गोल्ड मैच में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बन्ना को 16-14 से हराकर महिलाओं की जो 10 मीटर की जो एयर पिस्टल में अपना पहला नेशनल चैंपियनशिप है वो जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड वो कहाँ हुई है? तो आंसर है दोस्तों ये अराकोणम में हुई है। तो भारतीय नौसेना है उन्होंने के अधिकारियों के लिए जो पासिंग आउट परेड का आयोजन है वो अराकोणम में जो INS राजली में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित वो किया गया था। और रियर जो एडमिरल विक्रम मेनन है इन्होंने प्रशिक्षण पूरा होने पर जो 9 अधिकारियों को प्रतिष्ठित विंग है वो सौंपे थे। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है दोस्तों। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी मनोहर परिकर के द्वारा वो नाम रखा गया है। जो गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इनका नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री थे गोवा के मनोहर परिकर, इनके नाम पे रखा गया है। और इनका उद्घाटन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और ये पणजी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक नया एयरपोर्ट है जो सालाना 44 लाख लोगों को समायोजित वो कर सकता है। और भविष्य की विकास योजनाओं के बाद इसकी जो क्षमता है वो प्रतिवर्ष वो 3 करोड़ से भी अधिक यात्रियों तक बढ़ाई जा सकती है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।